उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने लव जिहाद को लेकर शनिवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद एक साजिश है जिसके तहत भोली भाली लड़कियों को शिकार बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ी हैं और इनमें ज्यादातर हिंदू लड़कियों को मोहरा बनाया जा रहा है। मोहसिन रजा का आरोप है कि एक साजिश के तहत इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसे रोकने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो योगी सरकार कानून लेकर आएगी, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि लव जिहाद, उसके बाद धर्म परिवर्तन, फिर धर्मांतरण कराना, ये जबरदस्ती का जो काम हो रहा है, इसकी जो शिकायतें आ रही हैं, ये खाली एक ही, आप देखें इसके विक्टिम्स जो हैं वो एक ही समुदाय के हैं। खास करके अगर कहा जाए तो ज्यादातर विक्टिम्स जो इसमें आ रहे हैं वो हमारे हिंदू समाज के हैं। तो हिंदू समाज की ही लड़कियां क्यों इसमें विक्टिम हो रही हैं? इसका मतलब है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है और उस साजिश का खुलासा जरूरी करना है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कानून बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में है। हाल ही में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कथित लव जिहाद के कई मामले सामने आए थे। अकेले कानपुर में 11 ऐसे मामलों में जांच चल रही है जिसमें धोखे से धर्मांतरण के आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपने लखनऊ प्रवास के दौरान इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। अपने 2 दिन की लखनऊ यात्रा के दौरान उन्होंने लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई थी। बता दें कि ओडिशा देश का ऐसा राज्य है जहां धर्म परिवर्तन पर सबसे पहले साल 1968 में कानून बना था। यूपी इस क्लब में शामिल होने वाला 9वां राज्य हो सकता है। लखनऊ से कुमार अभिषेक की रिपोर्ट, यूपी तक।